नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर भाई एग्जामपुर पर उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे क्या हाल है आप सभी के फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि जितने भी खजूर यहाँ पे लाइव आ चुके हैं जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सबके क्या हाल है कैसे हैं आप सभी तो आज के सीरीज को हम इसी इसी दौरान कंटिन्यू करेंगे और आज तीसरी क्लास है आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस मतलब दो मॉक तो, मॉक टेस्ट जो हैं जीके जीएस प्लस स्टैटिक करंट अफेयर सारे सेक्शन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे चाहे हिस्ट्री की बात कर ले जोग्राफी इकोनॉमिक्स या फिर आपका साइंस हो या फिर आपका करंट अफेयर्स हो चाहे वो स्टैटिक हो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सो so, उम्मीद है कि सभी एकदम दमे द, मतलब मजेदार होंगे धमाकेदार होंगे सभी बढ़िया होंगे है ना मतलब आ, एनर्जी बहुत ज्यादा धीरे धीरे आ रही है लेकिन यार यहां पे क्या है ना कि आपको लाइक और शेयर करना है इस क्लास को जितना आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ में फटाफट से लाइक और शेयर करके आ जाओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कह रहा है आपके एस टी जी प्रोग्रेस अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है एस प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड जो है वो उससे किसको सम्मानित किया गया है तो इसमें सबसे बढ़िया जो भूमिका निभाई है सबसे अच्छा जो रिजल्ट दिया है या फिर हम यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें बहुत अच्छी भूमिका दिखाई इसमें जो आपका सतत विकास समाधान है उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया सतत विकास लक्ष्यों के लिए तो इस, उसमें बहुत अच्छा आ, काम किया इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर दो देखो क्वेश्चन नंबर दो देखो क्या कह रहा है आपसे फटाफट से देखो और इसका आंसर बताओ निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीयों को दिया गया है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया है कौन सा एक मूल अधिकार है जो किसको दिया गया है इंडियंस को दिया गया है भारतीयों को दिया गया है और बाहर मतलब भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया है तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है एक एक ऑप्शन करके देखेंगे नीचे से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भी चाहें वो विदेशी भी जा सकते हैं ऐसी कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी को दिया गया है और विधिक विधि के समक्ष मतलब अगर आपको विधि से कानून से कोई भी समस्या आती है तो आप अपने विधि यानी कि रिट वगैरह ले जा दायर कर सकते हैं आपको समान अधिकार दिया गया है विधि में भी

के लिए महत्वपूर्ण है अगले सवाल की तरफ लेकिन यार ऐसे दिल खुश नहीं कर रहे हो आप मेरा दिल तोड़ रहे हो दिल दुखा रहे हो <laughs> फटाफट से लाइक और शेयर कर दो सेशन को अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा और बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा 2021 चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है 2021 हजार इक्कीस चेंज मेकर अवार्ड की बात की जा रही है यह किसको मिला है हाजी दो हजार इक्कीस चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फिरोज फजह विथर यह भी, भी कहां की है यह भी आपकी बांग्लादेश की है यह भी बांग्लादेश की है ठीक है थीके? ये भी बांग्लादेश के मेलिंदा एंड जो आपका, आपका फाउंडेशन है फाउंडेशन है आपका और मेकर अवार्ड जो है वो दिया गया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से स्थल पाशर्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है जैन सिद्ध क्षेत्र जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर फटाफट से इसका आंसर बताओ और सभी दोस्त जितने भी यहां पे लाइव हैं लाइक और शेयर करते रहेंगे यार सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे फटाफट से जी हां अभी केवल छह मिनट हुए हम चार क्वेश्चन कर चुके हैं छह मिनट में हमने चार क्वेश्चन कर लिए आगे आने वाले टाइम में हमें एक घंटे में पूरे के पूरे पचास क्वेश्चन कवर करने हैं यानी कि दो मॉक लगाने हैं इसमें पचास क्वेश्चन प्लस उससे रिलेटेड फैक्ट भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो सभी लोग एक बार सेशन को मिलकर शेयर करेंगे सभी लोग मिलके तो इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे सम्मेद शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सम्मेद शिखर पाशवनाथ की बात की जाए जैन धर्म के किस कौन तो से नंबर के तीर्थंकर थे तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो तेईसवें तीर्थंकर थे कौन से थे तेईसवें तीर्थंकर थे चौबीसवें तीर्थंकर कौन थे तो चौबीसवें तीर्थांकर कौन थे तो चौबीसवें तीर्थांकर जो थे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है चौबीसवें तीर्थांकर महावीर स्वामी थे कल मैंने आपकी मैराथन वाली क्लास में बताया था महावीर स्वामी आपसे पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कितनी कठिन तपस्या कितने वर्षों की तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा आपको याद रखना है यह सब आपके लिए महत्वपूर्ण है सम्मेद शिखर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सम्मेद शिखर जो है इन्होंने यहां पे क्या किया था चौरासी दिन तक सम्मेद शिखर पर पासर्वनाथ जी ने चौरासी दिन क्या किया था चौरासी दिन इन्होंने यहां पर तपस्या की थी चौरासी दिन तपस्या की थी तब जाकर सम्मेद शिखर में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है कैवल्य कहा जाता है आपसे पूछा जा सकता है कैवल्य का संबंध किस धर्म से है कैवल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जैन धर्म करेक्ट आंसर करूंगा जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है बताओ फटाफट से इसका आंसर कह रहा है आपका कि सूची एक तथा सूची दो का मिलान करें एवं सही कूट का चयन करें आपसे क्रांतियां पूछी जा रही हैं कल मैंने बहुत सारी क्रांति लिखा दी थी सभी क्रांति जो है वो आपको बता दी थी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रांतियां थी जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां थी कल मैंने सब कराई थी क्वेश्चन नंबर पांच इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें देखो रजत क्रांति की बात करेगा तो रजत क्रांति से आपको याद रखना है रजत क्रांति जो है वो आपकी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी किससे अंडा अन, उत्पादन से रजत क्रांति अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन के लिए एवं मुर्गी पालन के लिए इसके अलावा गुलाबी क्रांति गुलाबी क्रांति भैया प्याज होगा या ब्याज नहीं होगा प्याज उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और गोल क्रांति आलू उत्पादन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो गुलाबी क्रांति प्याज और एक आपको यहां से याद रखना है कौन सी झींगा मछली झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है आलू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है चाइना में होता है दूसरा देश दूसरा आप, दूसरे नंबर पे भारत आता है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन आलू का उत्तर प्रदेश में होता है उत्तर प्रदेश में क्लियर है तो ये आपको याद रखना है अब कह रहा है पिंक रिवोल्यूशन सिल्वर रिवोल्यूशन और ब्लू और राउंड राउंड रिवॉल्यूशन तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं ये सब मैं आपको बता चुका हूं क्लियर है क्लियर है सभी को फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करो इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको कराए थे जैसे कल जो मैंने आपको कराए थे हरित क्रांति की बात करेगा तो खाद्यान्न से संबंधित जितने भी होंगे वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित आपका हरि हरित क्रांति से हरित क्रांति हो जाती है इसके अलावा आपको पीली क्रांति पूछ ली जाए तो पीली क्रांति में आपका क्या आ जाएगा पीली क्रांति में खाद्य तेल हो गए या फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा तिलहन की फसलें तिलहन की फसलें क्लियर अब इसके अलावा आपसे यहां पे पूछ लिया जाए बताओ श्वेत श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति पूछी जाए तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति किससे दुग्ध दुग्ध उत्पादन से, दुग दुग, दुग से। अगला अगला सवाल देखो क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर छह हाल ही में 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे मिला है हाल ही में 2021 हजार गोल, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है यह आपसे पूछा गया है यह अवार्ड किसको दिया गया है बताओ फटाफट से हाँ, फटाफट से इसका आंसर बताओ फटाफट से किसकी बात की जा रही है गोलकीपर अवार्ड की देखो दो तो यहां से ऑप्शन खत्म एक तो फिरोज फैजा वीथर की बात करें ये हम करके आ गए ये हम करके आ चुके हैं इसके अलावा शेख हसीना हसीना मान जाएगी बांग्लादेश से ढाका ठाकुर मतलब ये दोनों दो, लोग जो है ये बांग्लादेशी हैं ये दोनों ऑप्शन खत्म अब कौन सा बचा तो अब जो जंपल है जो एक तो जम्पल हैरी और दूसरा कौन सा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फुमजिल मलाबो नगु को जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा इनको गोलकीपर अवार्ड दिया गया है अगला सवाल देखो अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड किसको दिया गया एस डी जी एंड एस डी जी गोल्ड अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है वो मैं आपको बता चुका हूं वो मैं आप सभी को बता चुका हूं अब देखो क्वेश्चन आपसे बहुत है। बहुत है 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 ज्यादा ज्यादा टफ नहीं केवल यहां पे क्या करना है केवल यहां पे एक को मैच कर लेना अगर आपने एक मैच कर लिया सारे के सारे सही अगर एक मैच कर लिया अब बताओ लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर में है लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे ज्यादा राज्य की बात करेगा तो बिहार में होता है और लीची का शहर पूछ लिया जाए कि बताओ लीची का शहर किसको कहते हैं तो लीची का शहर जो है वो बिहार को कहा वो लीची का शहर जो है वो मुजफ्फरपुर को कहा जाता है किसको मुजफ्फरपुर को कहा जाता है लीची का शहर यह आपको याद रखना है अब देखो ध्यान से अब ये तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए भाई दो ऑप्शन खत्म हो गए अब बचे दो ऑप्शन अब इनमें से केला अनुसंधान केंद्र तो केला अनुसंधान केंद्र की जब भी बात करेगा तो यह आपका तिरची पहुंच जाएगा तिरची पहुंच जाएगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे डी करेक्ट आंसर होगा इसका डी इसको मैच करो मुजफ्फरपुर ये आपका तिरची हो जाएगा राष्ट्रीय मानस अनुसंधान केंद्र की बात करेगा हैदराबाद और ऊंट ऊंट भैया राजस्थान में ही है बीकानेर में ऊंट राजस्थान या बीकानेर अब एक तो आपने पहला लगा लो दूसरा लगा लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व पहला लगा लो दूसरा लगा लो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व क्लियर है क्लियर है चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं अगला सवाल मांग प्रेरित स्फीति के कारक मांग प्रेरित स्फीति के कारक अब बताओ इसका आंसर मांग प्रेरित के काररा... कारक आपसे पूछे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर बताओ फटाफट इसका आंसर फटाफट से आंसर बताएंगे सभी फटाफट से सभी लोग आंसर बताएंगे यार सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे मिलके सभी ने लाइक और शेयर करना है हाँ जी अरे डी नहीं दिख रहा है मेरे भाई डी नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं आपने ये तो कर लिया ना आपने इसको तो मैच कर लिया बात खत्म आपने मुजफ्फरपुर इधर ये आपका बीकानेर हो गया आपने मैच कर लिया बात खत्म फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है हमें जरूरत ही नहीं है आगे ऑप्शन की जरूरत है क्या ऑप्शन की जरूरत नहीं है एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये कहां भूले बैठे हो आप ये कहां भूले बैठे हो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन मतलब इस क्लास में आते हैं तो आप सौ क्वेश्चन तो कम से कम लेके जाते हैं कम से कम सौ क्वेश्चन लेके जा रहे हैं अगर मैं पचास करवा रहा हूं सोचो अब इसका ध्यान दो मांग प्रेरित स्थिति के कारक मांग प्रेरित स्थिति के कारक आपसे पूछे गए घाटे की वित्तीय व्यवस्था सही है बिल्कुल मांग बढ़ेगी मांग प्रेरित स्थिति तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकारी व्यय में वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि उपरयुक्त सभी तो जो मांग प्रेरित तो जो बढ़ती है मुद्रा बढ़ती है उसके कारण क्या है उसके कारण क्या गए तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक सबसे बड़ा कारण सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाना यह महंगाई में ये जो इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा कारण है फैक्टर्स ऑफ डिमांड ड्रेबन इन्फ्लेशन डिमांड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है मतलब मांग प्रेरित स्फी की बात की जा रही है यह महंगाई की बात की जा रही है तो ये कारण जो है जनसंख्या की वृद्धि भी एक सबसे बड़ा कारण है उपरयुक्त सभी ये तीनों के तीनों कारण है ये तीनों के तीनों कारण है तीनों के तीनों, तीनों, तीनों। ठीक है अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे ध्यान से देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बताओ फटाफट अब बताओ इसका आंसर करंट अफेयर्स का सवाल है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बताओ फटाफट हाँ जी तो यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा लाइक और शेयर करते रहना इसका करेक्ट आंसर होगा जी एंटरटेनमेंट जी कलर्स नहीं होगा रिश्ते नहीं होगा बिग मैजिक नहीं होगा निम्नलिखित में से किसने सोनी पिक्चर नेटवर्क के साथ में यहां पे साझेदारी की है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो भैया जी एंटरटेनमेंट ने किया है किसने जी एंटरटेनमेंट ने अगला सवाल अगला 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 मुद्रा स्फीति इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अर्थशास्त्र का सवाल है मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय अगर महंगाई हो रही है अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है उसके उपाय आपसे पूछे गए हैं उसके उपाय पूछे गए भैया उपाय देख के लगा दोगे आंख बंद करके उपाय देख के ही पहला देख रहे हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं पहला ऑप्शन कह रहा है उत्पादन को बढ़ाना यह चीज तो समझ आती है मतलब अगर किसी भी चीज की जैसे मैं अगर बात करूं इस पेन की कीमत पांच रुपए है आज की डेट में जो मेरे पास ये पेन है हालांकि आपके किसी काम का नहीं है लेकिन इसकी कीमत आज की डेट में पांच रुपए है अब अब ये पेन मेरे पास है दस और आप लेने आए मतलब मांग बढ़ेगी तभी तो महंगाई बढ़ेगी मांग जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक महंगाई नहीं बढ़ती है जब तक मांग नहीं बढ़ती तब तक महंगाई डिमांड नहीं बढ़ती तब तक महंगाई नहीं अब इसकी मह, इसकी ये पेन मेरे पास कितने हैं दस हैं लेकिन आप लेने आ गए बीस लोग आप बीस लोग लेने आए कह रहे हैं सर मुझे चाहिए मुझे चाहिए मैंने कहा बेटा दस रुपए का पेन है आपने कहा सर एक काम करो हम बीस है आपने कहा मुझसे बारह ले लो लेकिन मुझे दे दो एक ने बोला एक ने कहा मुझसे बारह ले लो ले लेकिन पहले मुझे दूसरे ने कहा मुझसे पंद्रह पहले मुझे तीसरे ने कहा मुझसे बीस ले लो तो भैया अगर दस लोगों ने बोल दिया कि मुझसे बीस ले लो तो महंगाई बढ़ रही या नहीं बढ़ रही अब इसको क्या करो यहां पे कह रहा है कि इसको इसकी जो यहां पे जहां 10 है इसका उत्पादन बढ़ा के बीस कर दो और 20 लेने पहुंचेंगे तो कितने का बिकेगा 20 का पेन बीस रुपए का ही बिकेगा मतलब प्राइस सेम रहेगा प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी प्राइस स्थिरता जो मूल्य स्थिरता है वो बनी रहेगी तो ये आपका हो गया एक तो उत्पादन को बढ़ाना अगर उत्पादन बढ़ाओगे तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा अपने आप बढ़ जाएगा अपने आप इस पे कंट्रोल मुद्रा स्पीति यानी कि नियंत्रण किया जा सकता है कह रहा है दोषियों को सजा भैया दोषी कहां से ढूंढोगे कौन सा महंगाई बढ़ा रहा है कौन सा नहीं बढ़ा रहा है गलत है ये ये बहुत ही गलत है ऐसे कैसे काम होता है दूसरा कह रहा है डर व आतंक का वातावरण उत्पन्न करना मतलब लोगों के अंदर बंदूक एक कनपटी पे गोली रख दो ऐसा करके बंदूक यहां पे डर आतंक पैदा करो उसको यहां पर गोली धरो यहां पर गोली रखो और बोलो भैया अगर तुम बाहर निकल गए ना तो हम गोली मारने का जो खरीद मार दी कम आई हाँ। तुम्हारी तुम्हारी ज्यादा जरूरत पड़ रही ना कार की तुम कार ले हुए जा रहे तुम्हें कपड़ा लेने गोली मार दी अगर निकले गत्ते तो महंगाई बढ़ रही तुम्हारे मारे तो एक एक घर में आप आतंक पे, आतंकवाद पे, आतंक पे ऐसे ऐसे करोगे तो महंगाई नहीं रोक पाओगे तो नहीं ये गलत है भाई साहब ये बिल्कुल सरासर अन्याय है ये सरासर गलत है तो ऐसा नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं किया जा सकता नहीं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी वरना बिल्कुल लोगों के अंदर डर बैठा दोगे तो अर्थव्यवस्था खत्म मार्केट में कोई जाएगा ही नहीं इकोनॉमी में कोई जाएगा नहीं पैसा कहां से आएगा देश कैसे चलेगा समझ में आ रहा है हा। देच्कू, देच्कू। हा। चलो क्लियर अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन देखो अरे वाह जी वाह करंट अफेयर का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का सवाल है कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की करंट अफेयर्स का सवाल है बताओ करंट अफेयर्स का सवाल है यहां पे वीजा के साथ में इसने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की है किस बैंक के साथ किस बैंक ने की है तो वीजा के साथ में साझेदारी जो की गई है वो किस लिए की गई है क्रेडिट कार्ड के लिए तो करेक्ट आंसर इसका यस <coughs> बैंक yes, होगा किसके लिए की गई है क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह बताओ फटाफट इसका आंसर प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक क्लॉज है आपका भारतीय संविधान में उसमें उसमें बोला गया कि बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है बताओ फटाफट से बताओ लाइक और शेयर करो फटाफट से सेशन से को सभी सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तीन माह तक रखा जा सकता है कब तक रखा जा सकता है तीन माह तक रखा जा सकता है इसका जिक्र किस में किया गया है तो इसका जिक्र किया तो 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 गया है अनुच्छेद 22 के खंड चार में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 22 के खंड चार में इसका जिक्र किया गया है कि आप बंदी बनाकर रख सकते हैं बिना किसी उसके है <laughs> ना खंड चार में प्रावधान किया गया कि लोक हित और शांति के लिए कि आप किसी भी व्यक्ति को तीन माह तक बंदी बना के रख सकते हैं वो भी किस लिए लोक के हित में होना चाहिए शांति के लिए होना चाहिए तब आप तीन महीने तक बंदी बना के रख सकते हैं अन्यथा की दशा में नहीं रख सकते नहीं तो फिर क्या हो जाएगा फिर तो उसके मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा उसके अधिकारों का हनन हो जाएगा ठीक है अगला देखो अगला सवाल अगला क्वेश्चन अब देखो ध्यान से हाल ही में किस बैंक में हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की अभी हमने देखा एक क्रेडिट कार्ड के लिए यस बैंक ने किसके साथ में साझेदारी की वीजा के साथ में की दूसरा सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए मोबाइल फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सवाल मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की तो इस ये किसने किया है ये किस बैंक के साथ में हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा देखो यस बैंक तो हट जाएगा एच डी एफ सी भैया एच डी एफ सी ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड तो फेडरल बैंक करेक्ट आंसर होगा ठीक है फेडरल बैंक क्लियर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है क्वेश्चन नंबर चौदह बताओ इसका आंसर फटाफट से फटाफट आंसर बताओ एक के बाद एक क्वेश्चन हमारा टारगेट है हम पचास क्वेश्चन करेंगे हम इस सेशन में आपसे रेगुलर पचास क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज को इस, का, इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे चाहे कुछ हो जाए ये जो पचास क्वेश्चन वाली क्लास है हमेशा मिलेगी आपको करंट अफेयर्स इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के सब कुछ सारी चीजें हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी सब 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 एक क्लास पूरा जीके जी मतलब करंट अफेयर सब क्लास पे 150 क्वेश्चन करेंगे एक घंटे के अंदर प्लस एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का तो आंसर बताओ इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा अनुच्छेद तेरह करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो इसका खंड दो है इसका खंड दो अनुच्छेद तेरा दो अनुच्छेद तेरा दो में बोला गया है कि आप क्या कर सकते हैं एक तो यहाँ पे बोला गया है कि अनुच्छेद तेरा में कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद का विधायी कार्यो के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है शक्ति प्रदान कर है तेरा तेरा जो है वो शक्ति प्रदान करता है तेरा क्या करता है शक्ति प्रदान करता है लेकिन यहाँ पे तेरा दो के अनुसार राज्य ऐसी कोई भी विधि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग को प्रदत्त करे जो इस भाग के अधिकारों को प्रदत्त करे ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा राज्य ऐसा प्रावधान किया गया है तेरा दो में ठीक है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर पंद्रह बताओ जैन धर्म जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर जो है चौबीसवें तीर्थंकर थे जैन धर्म के चौबीस में तीर्थंकर थे ठीक है कह रहा है राजवंशी घराने में पैदा हुए थे किस राजवंशीय घराने में हुए थे किस राजवंशी घराने में हुए थे तो लिच्छवी की बात करें भैया लिच्छवी शासक था जो लिच्छवी शासक था उसकी तो बहन थी ना हाँ जो लिच्छवी शासक था चेतक चेतक की बहन थी त्रिशला इनकी माता जी जो महावीर स्वामी थी लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी और उनका नाम क्या था त्रिसला त्रिसला नाम था ये तो इनकी बहन थी तो ये तो ऑप्शन खत्म इनमें से ऑप्शन ये भी खत्म मौर्य की बात करी जाए तो मौर्य वंश से नहीं थे ये ठीक है और महा अगर आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म का भी तो वो शाक्य वंशज थे ठीक है वो शाक्य वंशज थे अब ध्यान से देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका क्षत्रिय करेक्ट आंसर होगा क्षत्रिय करेक्ट आंसर होगा प्रवर्तक महावीर स्वामी ज्ञातक क्षत्रिय राजवंशी परिवार में पैदा हुए थे ठीक है ज्ञातक क्षत्रिय राजवंशी परिवार में पैदा हुए थे ये या आपको याद रखना है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है चलो अगला सवाल ए करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल अच्छा यहाँ पे एक एक सवाल और इनकी माता मैं बता चुका हूं किसकी बहन थी वो तो बता दिया आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा हालांकि अभी आपके साथ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने को जैन धर्म से रिलेटेड और भी पॉइंट्स है क्वेश्चन नंबर सोलह देखो क्वेश्चन नंबर सोलह कैराइट निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एन किसने लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये करंट अफेयर्स का सवाल है करंट अफेयर्स का सवाल है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ भैया इसका सी 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 इतनी सी सी करोगे बच्चा बैठा होगा ना टॉयलेट कर देगा बिहार गीले हो जाओगे इतनी सी सी कौन करता है सी सी <laughs> इसका आंसर सी नहीं होगा ठीक है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसके लिए लॉन्च किया गया है तो ये व्यवसायों के लिए जितने भी आपके इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनके लिए लॉन्च किया गया पीयूष गोयल करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल डी करेक्ट आंसर होगा डन, बहुत शानदार नरविंद बहुत बढ़िया आर्मी विष्णु बहुत अच्छे करोगे बच्चा कर दे। चलो अगला अगला सवाल अगला सवाल सवा, देखो ध्यान से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था भैया बताओ इसका आंसर बताओ दद्दा का वो है आंसर बताओ जल्दी फटाफट बताओ और शेयर करो लाइक करो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया आपने लाइक और शेयर नहीं किया आपने फटाफट फटाफट बताओ इसका आंसर अट्ठाईस मिनट हो चुके हैं क्वेश्चन हम सत्रह कर चुके हैं अभी हमें बहुत फास्ट चलना है हमें पचास क्वेश्चन तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो विपुलाचल विपुलाचल पहाड़ी राजग्रह के पास दिया था विपुलाचल पहाड़ी राजग्रह के पास इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था यह आपको याद रखना है सारनाथ में किसने दिया था सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध जो थे इनके द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था पांच ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने पांच ब्राह्मणों को दिया था गया में गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसको बौद्ध गया कहा जाता है और ज्ञान का शहर किसको कहते हैं तो ज्ञान का शहर भी बौद्ध गया को कहा गया को कहा जाता है ज्ञान का शहर बिहार के अंदर नालंदा को ज्ञान की भूमि कहा जाता है ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये आपको याद रखना क्लियर क्लियर हां जी बहुत शानदार अगला सवाल क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से तीर्थंकर थे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा सवाल बहुत इजी है हालांकि और यह पूछा जाता है बताओ 20 से 16 सितंबर तक किस मंत्रालय द्वारा वनज जो आपका वाणिज्य वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है यहां पे वणिज्य नहीं होगा वाणिज्य सप्ताह होगा वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है अब मनाया गया किस किस कि, कब से कब तक मनाया गया है कब से कब तक जो है वो वाणिज्य सप्ताह मनाया गया है कब से कब तक मनाया जा रहा है 20 से 26 तक मनाया गया किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसका आंसर क्या होगा वाणिज्य मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ठीक है अगला देखो सवाल भारत में लॉ अयस्क कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है भारत में लॉ अयस्क कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है तो भारत में लॉ अयस्क जो है वो धारवाड़ की जलद चट्टानों से और आग्ने की चट्टानों से इन दोनों चट्टानों से भारत में लौह अयस्क जो है लौह जो है वो आपका पैदा होता है वो मिलता है क्लियर है लोहा कच्ची धातु लोह एस्क के रूप में प्राप्त होता है ये आपके आपको याद रखना है हाँ और कैसा प्राप्त होता है तो काला और गहरुआ रंग का प्राप्त होता है काला और गहरुआ रंग का क्लियर काला या फिर गहरुआ रंग का लोहा जो है वो प्राप्त होता है अगला सवाल एक बार यार लाइक और शेयर करो सभी लोग सभी लोग मिलकर एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी बिल्कुल भी लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप सेशन को हाँ अब बताओ इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने के लिए 12 सदस्य जो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया और समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी आपसे पूछा गया है ये आपसे पूछा गया है बताओ फटाफट लाइक और शेयर कर लो यार सेशन को सभी लोग क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से तो इसका करेक्ट आंसर के कस्तूरी रंगन करेक्ट आंसर होगा के कस्तूरी रंगन करेक्ट आंसर होगा के कस्तूरी रंगन क्लियर क्लियर है सभी को अगला देखो अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है वो किसमें किसके द्वारा दिया गया था आर्थिक नियोजन की बात की जा रही है कब दिया गया था और किस में दिया गया था यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आर्थिक नियोजन की बात करेगा जयप्रकाश नारायण का नाम आ जाता है ठीक सॉरी जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं आते हैं आपका हाँ। करेक्ट आंसर होगा हो इन्होंने उन्नीस सौ चौतीस उन्नीस सौ चौवालीस में सॉरी उन्नीस नहीं उन्नीस में थोड़ी सी कंफ्यूजन है उन्नीस में एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था प्लांट इकोनॉमी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम था प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो जो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया थी यह पुस्तक थी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो इसी पुस्तक में इस पुस्तक में पूरा वर्णन किया गया था इस पुस्तक में पूरा बताया गया था इस पुस्तक में पूरा बताया गया था कि हां इसमें उल्लेख किया गया था जो भी इससे जो नियोजन से संबंधित जो भी चीजें थी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया था और यह योजना जो है इसका उद्देश्य इस योजना का टारगेट दस वर्षों में जो इसका मतलब जो आपकी <coughs> राष्ट्रीय आय है उसको दुगना था उसको दुगना करना था दस वर्ष का था और दस वर्ष में राष्ट्रीय आय को दुगना करना था अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से डॉग कंटेनर ट्रेन सेवा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बताओ इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट जी हां इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर्वानंद सोनोवाल ये केंद्रीय मंत्री हैं आपके ये केंद्रीय मंत्री हैं क्या यूनियन मिनिस्टर हैं आपके ठीक है तो ये या आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के ठीक है चलो अगला सवाल इनके द्वारा किया गया है और इसका आंसर बताओ संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्व का मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है बताए फटाफट से संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है इसका आंसर बताओ हां करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर भाग चार भाग का चार का हो जाएगा भाग चार में भाग चार में नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है और मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात किसमें की गई है तो मौलिक कर्तव्यों की बात भाग चार का में की गई है अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर चौबीस कह रहा है आपसे निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए इनमें से गणराज्य और उनकी राजधानी सुमेलित करनी है आपको इनमें से उनके गणराज्य और राजधानी सुमेलित करनी है इतिहास का सवाल है तो गांधार गांधार जो है ये महाजनपद था राजधानी इसकी क्या थी उस टाइम पे अगर मैं भगवान बुद्ध के टाइम की बात करूं उस टाइम 16 महाजनपद हुआ करते थे जैन धर्म के टाइम पे ठीक है तो उन, छोटे चो, छोटे जनपदों से मिलकर महाजनपद बने थे ठीक है तो वो आगे चल के अभी मैं डिस्कस करूंगा हालांकि अभी यहां पे बात की जा रही है महाजनपद गांधार तो गांधार से आपको याद रखना है गांधार क्या हो जाएगा आपका तक्षशिला हो जाएगा गांधार से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे गांधार से हाँ गांधार तो गांधार से आपका तक्षशिला हो जाएगा क्लियर है गांधार से क्या होगा आपका तक्षशिला हो जाएगा इसके अलावा अगर हम सूरसेन की बात करें तो सूरसेन से आपको मथुरा याद करना है सूरसेन से क्या याद करना है मथुरा और इसके बाद में अंग की बात की जाए तो अंग के चंपा हो जाएगा और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा ये इनकी राजधानियां थी ये उस टाइम पे इस, इनकी राजधानियां थी क्लियर है गौरव यादव जी लास्ट तक रुकना है बताओ क्लियर है यहां तक यहां तक इसको फटाफट से क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे क्वेश्चन आया करें तो एकदम से फटाफट से स्क्रीन ले लिया करो ताकि आगे चल के लिख लो एकदम से हां अभी फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो सभी क्लियर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन को कह रहा है कि भारत का पहला भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा क्रूज और लग्जरी की बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे जो आपका आईआरसीटीसी है हाँ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपका आईआरसीटीसी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्लियर है अगला देखो अगला सवाल कुछ आप क्लास शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी क्लास शेयर नहीं करते सबसे घटिया किस्म का लोहा माना जाता है सबसे घटिया किस्म का लोहा कौन सा होता है सबसे घटिया किस्म का तो पहले हम एक एक करके बता मैं बता दूं कि लोहे की मात्रा किस में कितनी होती है एक बार मैं बता दूं लोहे की मात्रा किस में कितनी होती है तो आप फिर आंसर कर देना इसका बढ़िया तरीके से तो लोहे की मात्रा की बात करें अगर मैं सिडेराइट की बात करूं सिडेराइट में कितनी मात्रा होती है तो सिडेराइट में दस परसेंट से 48 परसेंट तक लोहे की मात्रा होती है मैग्नेटाइट में कितनी मात्रा होती है तो मैग्नेटाइट में बहत्तर होती है कितनी होती है बहत्तर परसेंट हेमेटाइट में कितनी मात्रा होती है तो इसमें लोहे की मात्रा तीस परसेंट से तीस परसेंट से साठ परसेंट होती है और लिमोनाइट की बात की जाएगी तो लिमोनाइट में आपको याद रखना है कि साठ परसेंट से हाँ, सॉरी अगर आ, यहां पे एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन <coughs> इसमें लोहे <लोगी> की मात्रा 60 <coughs> परसेंट से 70 परसेंट और इसमें जो है इसमें 30 परसेंट से इसमें 30 परसेंट से 60 परसेंट ठीक है अब बताओ घटिया किस्म का लोहा कौन सा है अब बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा ए सेडेराइट राइट का बताओ इसका आंसर गांधीवादी योजना, गांधी योजना को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया हाँ गांधीवादी योजना को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया हां जी गांधीवादी योजना को निम्न में से किसने क्या किया था प्रस्तुत किया था तो एम विश्वेश्वरैया नहीं होगा इसका ए भी करेक्ट आंसर नहीं होगा अब बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो जयप्रकाश नहीं होगा करेक्ट आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में कब? 1944 में 1944 में क्या किया था गांधीवादी गांधीवादी आर्थिक चिंतन एक विचारधारा इन्होंने शुरुआत की थी इन्होंने समावेशन किया था कौन सी उन्नीस में गांधीवादी आर्थिक चिंतन विचारधारा तेहिए? उसके तहत क्या किया गया था उसके तहत जो है ये आपको याद रखना है इन्होंने प्रस्तुत किया था अगला सवाल अगला क्वेश्चन यार लाइक और शेयर करना है सेशन सचिव के रूप में नए दूर संचार सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यह आपसे पूछा है नए दूर संचार सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नए दूर संचार सचिव के रूप में के राज रमन को नियुक्त किया गया है किसको किया गया है के राज रमन को नियुक्त किया गया है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर उन्तीस क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है बताओ फटाफट निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका किस अनुच्छेद में किया गया है तो आंसर क्या होगा और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आपको याद रखने हैं अगर मैं राज्य शब्द की बात करूं तो इसको परिभाषित किया गया अनुच्छेद छत्तीस में और और इसके अलावा जो आपको यहां से याद रखना है वो है आपको कि यहां पे छत्तीस में राज्य जो अनुच्छेद हैं जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया है साथ ही साथ में जो अनुच्छेद 12 में जिस जो राज्य की डेफिनेशन दी गई है जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है वही सेम है अनुच्छेद 36 में तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद बारह में भी दी गई है और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद छत्तीस में भी दी गई है क्वेश्चन नंबर तीस क्वेश्चन नंबर तीस क्वेश्चन नंबर तीस सवाल नंबर तीस Earth... बताओ इसका आंसर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सोलह महाजनपदों के विषय विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है बताओ इसका आंसर किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है किसकी बात की जा रही है सोलह छठी शताब्दी की बात की जा रही है पहला तो और सोलह महाजनपदों के विषय सोलह सोलह महाजनपदों के विषय में जो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर होगा अगोत्तर निकाय अगुत्तर निकाय यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा है तो आपको याद रखना है अब यहां पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका जो 16 जनपद है इनका भी कही कहीं ना कहीं वर्णन जैन धर्म में किया गया होगा क्योंकि कार्यकाल की बात करें जो बौद्ध धर्म या सेम जैन धर्म की तो लगभग मिलता जुलता है सेम ही है तो इसका भी वर्णन कहीं ना कहीं किया गया होगा तो जैन धर्म के जो भगवती भगवती सूत्र ग्रंथ है जैन धर्म का कौन सा है भगवती सूत्र भगवती सूत्र उसमें इसका वर्णन किया गया है यह जैन धर्म का है यह जैन धर्म का है ठीक है जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है क्लियर है क्लियर आज का सेशन यार इतना ज्यादा नॉलेजेबल इतना शानदार इतना बढ़िया और उसके बाद में आप लोग कितने आ रहे हैं ऐसे कैसे काम चलेगा कोई लाइक शेयर नहीं कर रहे हो ऐसे ना यहां पे दिल पे लगती है जाके बात यार दर्द होता है दुख होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो यार कितनी भी मेहनत कर लो आपको फर्क नहीं पड़ता आप लाइक शेयर नहीं कर सकते तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोलह महाजनपद हुआ करते थे, थे उस टाइम पे छोटे छोटे जनपदों से बड़े महाजनपद बने सोलह महाजनपद हुए और उसमें से चौदह जो थे वो राजतंत्रात्मक थे और दो गणतंत्रात्मक थे ठीक है ये आपको याद रखना है बज्जी एवं मल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हाँ चलो अगला देखो बंगाल के पूर्व बाएं के आ, बाएं हाथ के स्पिनर बंगाल के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मिजोरम अंडर 19 के मुख्य कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बताओ इसका आंसर क्या होगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स का सवाल है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर होगा मुर्तजा लोधगर ये इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है आपके करंट अफेयर्स से है ठीक है बिल्कुल ऐसे ही सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बिल्कुल सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कुछ अलग नहीं होता कुछ भी अलग नहीं होता बिल्कुल सेम होता है अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है भारत में हेमेटाइट अयस्क के भंडार की दृष्टि से नहीं दृष्टि से सही राज्यों का समूह तो इसका करेक्ट आंसर बताओ अब हेमेटाइट जो लॉ अयस्क है उसकी दृष्टि से सम अगर बात की जाए तो इसका आंसर कर्नाटका गोवा का, का समूह सही है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश असम बिहार राजस्थान केरल यानी कि उपरुक्त तो सभी जो है डी करेक्ट आंसर होगा उपरयुक्त तो तो सभी जो है डी करेक्ट आंसर होगा ये आपको याद रखना है और मैंने गुणवत्ता लोहे में जो है इसमें इस कितने परसेंट लोहा होता है कितने परसेंट लोहा होता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ अभी जस्ट मैंने बताया था अभी जस्ट मैंने बताया था जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि, कि बताओ कि आ, कितने परसेंट लोहा किसमें होता है सबसे घटिया किस्म का लोहा कौन सा होता है तब मैंने आपको बताया था तो बताओ फटाफट से अगला देखो सवाल क्वेश्चन नंबर तैतीस क्या कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी आपसे पूछा है किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय सीमा भी पूछी जा सकती है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय सीमा उन्नीस से उन्नीस से उन्नीस तक यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय सीमा थी आपसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो हेराउंड डॉमर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डॉमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखो फाइनल में पाकिस्तान के बाबर फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ आई छह रेड क्रूज जो क्रू इस, स्कूनर स्नूकर सॉरी आई आई बी एस एफ सिक्स रेड स्कूनर स्नूकर विश्व कप किसने जीता जो स्नूकर विश्व कप है वो किसके द्वारा जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है किसने जीता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ंकज आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पैतीस नीति निदेशक तत्व है नीति निदेशक तत्व कौन से हैं नीति निदेशक तत्व कौन से हैं बताओ नीति निदेशक तत्व तो नीति निदेशक तत्व गैर नियोजित और नियोजित क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हाँ नीति निदेशक तत्व कौन से आंसर हो जाएगा ए गैर जित न्यायोजित, न्यायोजित जो है वो नीति निर्देशक तत्व तो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है अगला देखो सवाल अगला क्वेश्चन मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल म्यूजिक बस नामक एक अनूठी परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल म्यूजिक बस मोबाइल म्यूजिक बस जो है नामक एक अनूठी परियोजना कहां पर शुरू की गई है आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली में की गई है कहां पर की गई है दिल्ली में की गई है ठीक है दिल्ली में की गई है अगला देखो सवाल दिल्ली में की गई है अगला क्वेश्चन छठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसापुर छठी शताब्दी ईसा पूर्व सोलह महाजनपदों में से चौदह राजतंत्रात्मक अभी जस्ट मैंने बताया था अभी अभी तुरंत के तुरंत बता के आया था सोलह में से चौदह कौन से थे राजतंत्रात्मक थे और दो गणतंत्रात्मक थे सोलह महाजनपदों में से ये मैंने बताया था ये थे इनमें से चार महाजनपद शक्तिशाली थे निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद शक्तिशाली थे कौन से महाजनपद जो चार थे वो शक्तिशाली थे हाँ जी बताओ कौन से महाजनपद शक्तिशाली थे तो सोलह महाजनपदों में से दस महाजनपद जो थे दस महाजनपद कहां पर स्थित थे तो सोलह में से दस महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे कहां पर गंगा घाटी में स्थित थे गंगा घाटी में स्थित थे ठीक है अब यहां पे चार पूछे गए हैं यार चार पूछे गए हैं और चार ही दे बताए मगध और कौशल वत्स और ये तो, उपरयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यादा टफ नहीं है क्लियर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यादा टफ नहीं है हाँ और 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद आपसे पूछा जाए सोलह जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो मगध था मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था ठीक है हां चलो अगला सवाल एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत आपसे पूछा है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है।, है तो एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर अड़तीस बारह क्वेश्चन और करने हमें बारह क्वेश्चन और करेंगे अभी हम हाँ। मेरी ऑफलाइन क्लासें अभी नहीं चल रही ऑफलाइन क्लासें अगर मेरी चलेंगी तो जल्दी कानपुर में देखने को मिल जाऊंगा मैं हां तो करेक्ट आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत वॉक्साइड है और वॉक्साइड की उत्पत्ति कहां से होती है वॉक्साइड की उत्पत्ति लेटेराइट ठीक है लेटेराइट चट्टानों से होती है लेटेराइट चट्टानों से वॉक्साइड की उत्पत्ति होती है क्लियर अगला देखो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डब्ल्यू एच ओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस ट्रेड्रोस अदनोम ये किस राष्ट्र से संबंधित है किस राष्ट्र से संबंधित है बताओ डब्ल्यू एच ओ के महानिदेशक ट्रेड्रोसोम जो है वो किस राष्ट्र से संबंधित है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका इथियोपिया करेक्ट आंसर होगा क्या करेक्ट आंसर करोगे इथियोपिया करेक्ट आंसर करोगे इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर चालीस क्वेश्चन नंबर चालीस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था जी हां द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कल मैंने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको करा दी थी कल आई थिंक मैंने द्वितीय भी कराई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था और द्वितीय दु पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी तो उन्नीस से उन्नीस तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था यह आपसे पूछा गया है तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी समाज की स्थापना करने के साथ उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ठीक है चलो ए करेक्ट आंसर होगा इसका आई एम साइको गेमिंग बेटा बहुत लेट आए हो यार टाइम से आया करो यार सभी लोग तकलीफ होती है यार आज आज पता सौ क्रॉस भी नहीं कर पाए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार कितना भी पढ़ा लो कितना भी चिल्ला लो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता यार आपको इतना इतना सब कुछ करते हैं इतनी मेहनत करते हैं आपने कहा पचास क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कराओ मैक्सिमम क्वेश्चन पचास क्वेश्चन लेके आ गया ठीक है और इससे और क्या कर सकता हूं मैं इससे ज्यादा और क्या करूं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है ऐसे बुरा लगता है यार मेहनत कितनी भी कर लो इसको पता है क्वेश्चन पचास करने में कितना टाइम लगता है ठीक है चलो तो ये आपको याद रखना है अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनुच्छेद तेतालिस अनुच्छेद तैतालीस ठीक है अगला देखो एक पुस्तक है चालीस चार सौ दिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई चार सौ दिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई चार सौ दिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो आंसर क्या हो जाएगा चार सौ दिन नामक पुस्तक चेतन भगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा लिखी गई चेतन भगत के द्वारा चेतन भगत के द्वारा लिखी गई क्लियर है चलो अगला देखो अगला अजात शत्रु ने अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था अजात शत्रु ने इसका करेक्ट आंसर बताओ वर्डन well तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आजाद शत्रु ने सो, सोलह वर्षों तक युद्ध जो किया था वो वैशाली के लिच्छवी और उस टाइम कौन था शासक चेतक था ठीक है उस टाइम कौन था शासक कौन था उस टाइम लिच्छवी का हाँ तो चेतक जो था उस टाइम पे राजा था लिच्छवियों का और लिच्छवियों के साथ में अजात शत्रु ने सोलह वर्षों तक युद्ध किया था चेतक जो है चेतक जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनकी माता कौशल्या क्या भाई था? ये आपको याद रखना है ठीक है और हाँ और इसके अलावा इसके अलावा आपको जो यहां से याद रखना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा अजात शत्रु ने आखिर में जाके विजय प्राप्त करी थी इन सब का विजेता कौन कहा गया था तो भगवती सूत्र में अजात शत्रु को विजेता कहा गया है भगवती सूत्र में किसको विजेता कहा गया है भगवती सूत्र में भगवती सूत्र इसमें अभी भगवती सूत्र में मैंने आपको बताया था भगवती सूत्र में सोलह जो महाजनपद थे उनका जिक्र किया गया है सोलह महाजनपदों का जिक्र किया गया है और भगवती सूत्र आपका जैन धर्म से संबंधित है और इसी में भगवती सूत्र में अजात शत्रु को क्या कहा गया था तो भगवती सूत्र में अजात शत्रु को विजेता कहा गया था विजेता अगला देखो क्वेश्चन नंबर चवालीस क्वेश्चन नंबर चवालीस सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बताओ फटाफट से हाँ जी सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तेईस सितंबर को मनाते हैं तेईस सितंबर को अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पैंतालीस क्वेश्चन नंबर पैंतालीस लौ आयस के क्षेत्रों को लौ आयस के क्षेत्रों को राज्यों में सुमेलित कीजिए जो लौ आयस के क्षेत्र हैं। बादाम पहाड़ अमरकोट गोवा सिंदूरपुर सिमोगा चित्रदुर्ग और गिरना कुंडनम अब इनको क्या करना है इनको सुमेलित करना है जो इसका करेक्ट होगा उसको जोड़ना है जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जोड़ना है तो एक बार देखेंगे वादाम पहाड़ अमरकोट करेक्ट आंसर उड़ीसा इसका उड़ीसा से हो जाएगा ये उड़ीसा में है ठीक है अब यहां पे अगर मैं बात करूं गोवा सिंदरपुर आपको तो गोवा में आपको याद रखना है गोवा से गोवा याद कर लेना गोवा से गोवा याद कर लेना ठीक है हाँ और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो हो जाएगा आपका गिरना कुंडनम जो है वो कर्नाटका हो जाएगा कुंडनम कर्नाटका ओ सॉरी सिमोगा चित्र एक मिनट एक मिनट सिमोगा वाला जो है ना ये आपका ये तो उड़ीसा हो गया ये गोवा हो गया सिमोगा कर्नाटका हो जाएगा और ये गिरना कुंडनम झारखंड हो जाएगा ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रोको एक मिनट रोको एक मिनट रुको हाँ ये तो पहला तो सही है उड़ीसा ठीक है गोवा सिंदूर सिंदूर फर है गोवा सिंदूर फर हाँ तो गोवा सिंदूर फर का क्या हो जाएगा गोवा सिंदूर फर का झारखंड हो जाएगा ठीक है गोवा सिंदूर फर का झारखंड होगा सिमोगा का ये कर्नाटका हो जाएगा और इसका गोवा हो जाएगा गिरना कुंडनम का गोवा हो जाएगा अब सही है अब सही है एकदम ठीक है अब एकदम करेक्ट है चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्लास बताओ इसका आंसर हाँ जी क्वेश्चन कह रहा है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार पुरस्कार 2021 प्रदान किया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 को अगला देखो क्वेश्चन नंबर सैतालीस 47 क्वेश्चन नंबर 47 बताओ इसका आंसर और इसको यार लाइक और शेयर करना है आप सभी ने लाइक और शेयर करना है सभी लोगों को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तो कौन होता है प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री होता है क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपसे बताओ व्हाट इज द मतलब बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है आधिकारिक नारा क्या है जी हां तो इसका आंसर क्या होगा साझा भविष्य के लिए एक साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी साझा भविष्य के लिए एक साथ साझा भविष्य के लिए एक साथ यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा और देखो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आपसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उल्लेख किया गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उल्लेख किया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है करेक्ट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है किसके अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है क्लियर क्लियर है Clear है अगला देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 50 देखो और इसका आंसर बताओ मगध के मगध के किस प्रारंभिक शासक के राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की स्वयं इसी हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया मगध के किस प्रारंभिक शासक के राजारोह राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा अजात शत्रु अजात शत्रु जो है वो करेक्ट आंसर होगा अजात शत्रु जो है वो करेक्ट आंसर होगा अजात शत्रु के पुत्र उदायन ने किसने अजात शत्रु के पुत्र उदायन ने उदायन ने अजात शत्रु की हत्या की थी ठीक है क्यों की गई थी वो ऊपर कारण लिखा हुआ है हां क्लियर है तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं बाकी रिक्वेस्ट रहेगी कि, कि आप सभी टाइम से आएं टाइम से सेशन को ज्वाइन करें और आज के सेशन को हम इसी के साथ में यहीं पे एंड करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम सात बजे तब तक के लिए नमस्कार आप सभी अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच जय हिंद बाय टेक केयर ऑल ऑफ